हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास इलेवेंथ में अपना जो लेसन थर्ड चलेगा वो क्या है भाई? वनस्पति जगत। थर्ड लेसन का नाम क्या है? वनस्पति जगत। हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा है कि भाई जो व्हिटेकर है, अपने जो पंच जगत अवधारणा दी है, उन्होंने अपना एक अलग क्या बनाया था? जगत बनाया था, जिसमें हम पढ़ रहे थे प्लांटी जगत। तो प्लांटी जगत में किसको रखा गया है? सभी जो पेड़ पौधे हैं उनको रखा गया है। तो उसी में से उसका पार्ट है वनस्पति जगत, या हम कह सकते हैं प्लांटी जगत। प्लांटी जगत के अंतर्गत सभी पेड़ पौधे वनस्पतियों को रखा गया है। तो ये हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इस अध्याय में पढ़ेंगे कि भाई जो वनस्पति जगत होता है इसमें किस किस प्रकार के प्लांट रखे गए हैं और उसमें किस प्रकार के क्या लक्षण पाए जाते हैं, उन सब के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई जो प्लांटी जगत होता है या वनस्पति जगत होता है, उसको इसके अंतर्गत किस किस को रखा गया है? शैवालों को रखा गया है। ठीक है, सबसे जो लोअर होती हैं ये, मतलब निम्न कोटि के पादप होते हैं। दूसरा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि शैवाल के बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स आते हैं, ये पादपों के प्रकार होते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम एक एक के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। थर्ड अपना होता है टेरिडोफाइट्स प्रकार के पादप होते हैं। फोर्थ अपना होता है जिम्नोस्पर्म, यह नग्नबीजी प्रकार के पादप होते हैं। और पांचवा अपना होता है एंजियोस्पर्म, मतलब जिसको हम बोलते हैं आवर्त बीजी प्रकार के पादप। तो वनस्पति जगत के अंदर पांच प्रकार के पादप रखे गए हैं। कौन कौन से? शैवाल रखे गए हैं, ब्रायोफाइट्स रखे गए हैं, टेरिडोफाइट्स रखे गए हैं, जिम्नोस्पर्म रखे गए हैं और एंजियोस्पर्म रखे गए हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे किसके बारे में करेंगे? शैवाल के बारे में, कि शैवाल किस प्रकार की होती है, किस प्रकार के आवास में पाई जाती हैं और इसमें किस प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। तो अपना जो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा यहाँ पर वो क्या है भाई? शैवाल। जो शैवाल होती है कैसी होती है? क्लोरोफिल युक्त होती है, मतलब इनमें क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है। इसी कारण भाई पर्णहरित पाया जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है, ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेती है प्रकाश संश्लेषी प्रक्रिया के द्वारा। इस कारण ये कैसी होती है? स्वपोषी होती है। शैवाल कैसी होती है? स्वपोषी होती है। तो भाई शैवाल जो होती है कैसी होती है? क्लोरोफिल या पर्ण हरित युक्त होती है। ठीक है, सबसे सरल प्रकार के पादप होते हैं। दूसरा हम बात करें ये कैसे होते हैं? संवहन ऊतक रहित होते हैं। संवहन ऊतक क्या होते हैं? कि संवहन ऊतक की बात करें, संवहन ऊतक होते हैं जाइलम और फ्लोयम। ठीक है भाई, संवहन ऊतक क्या क्या होते हैं? एक तो होता है जाइलम और फ्लोयम। इनका मुख्य काम क्या होता है? जाइलम का तो होता है नाम से भी जल का संवहन करता है। ठीक है, और जो फ्लोयम होता है अन्य खनिज पदार्थों का, या हम कह सकते हैं जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका संवहन करता है। संवहन का मतलब कि भाई जैसे ही कोई पादप होता है जल का संवहन करता है, मतलब जल का अवशोषण करता है, और उसको जो पौधा होता है उसके प्रत्येक भागों तक जो पहुंचाने का काम करता है कौन करता है? जाइलम करता है। इस प्रकार जो फ्लोएम होता है, जो पादप होता है उसके प्रत्येक भाग तक भोज्य पदार्थों के संवहन का काम कौन करता है? भाई संवहन ऊतक करता है। लेकिन हम बात करें शैवाल की, तो जो शैवाल होती है कैसे होते हैं? सबसे लोअर होते हैं, मतलब निम्न कोटि के होते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? संवहन ऊतक रहित होते हैं। इनको किसके अंतर्गत रखा गया है? थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत रखा गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाई शैवाल होती है पर्णहरित युक्त होती है, सरल होती है, संवहन ऊतक रहित होती है और थैलोफाइट्स होती हैं। ठीक है, और ये ऐसे पादप हमें बताया जो सरल होते हैं। तो इनमें क्या होता है? जड़ तना पत्तियों का अभाव होता है। इनमें जड़ तना व पत्तियों का अभाव होता है।
ठीक है भाई। थैलोफाइट्स के अंदर कैसे रखे गए हैं, जिनमें किसका अभाव होता है, जड़ तना और पत्तियों का अभाव होता है। ठीक है, शैवालों जैसे आपने देखी होगी अपने आसपास के क्षेत्र में, जो हम देखते हैं नदी वगैरह के किनारे पर या जो अपनी झील वगैरह होती हैं, तो उसके पानी की टंकी के पास, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में कहते हैं काई। काई क्या होती है, एक प्रकार की क्या होती है भाई, शैवाल होती है। काई को ही क्या हम बोलते हैं, शैवाल कहते हैं। तो ये थे उसके बारे में। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है। तो शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो शाखा क्या कहलाती है, फाइकोलॉजी कहलाती है। ठीक है भाई, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो शाखा क्या कहलाती है, फाइकोलॉजी कहलाती है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है। ठीक है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, या हम कह सकते हैं कि जो शैवाल विज्ञान, हिंदी में हम इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, शैवाल विज्ञान, विज्ञान या फाइकोलॉजी। तो शैवाल विज्ञान के जनक की बात करें तो शैवाल विज्ञान के जनक कौन है भाई, एफ ई फ्रिश, एफ ई फ्रिश। ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, एफ ई फ्रिश, और जो शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो सा क्या क्या कहलाती है, जीव विज्ञान की, फाइकोलॉजी कहलाती है। ये तो हो गई वर्ल्ड लेवल पे बात। उसके बाद हम बात करें तो भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, कोई पूछ ले कि भाई भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है भाई, एम ओ पी आयंगर। ठीक है, शैवाल विज्ञान के जनक एफ ई फ्रिश, और भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन है, एम ओ पी आयंगर। यहां तक क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं इनके बीच जो सामान्य लक्षण क्या क्या पाए जा सकते हैं। तो सामान्य लक्षण की बात करें, हमने बताई दिया कि कैसे होती है, क्लोरोफिल युक्त होती हैं। उसके बाद आवास की बात करें तो अधिकांशतः जलीय आवासों में पाई जाती है। जलीय आवासों के अलावा ये नमी वाले क्षेत्रों में, या हम कह सकते हैं बर्फीले क्षेत्रों में, वहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा और हम इसके कैरेक्टर की बात करें तो ये कीचड़युक्त तालाबों, या हमने बताई दिया कि जलीय स्थानों पर पाई जाती हैं। और इनका जो पादप जो शरीर होता है उनमें, हमने बता दी कि इनमें जड़ तना पत्ती का अभाव होता है। ठीक है, तो भाई इनका जो पादप शरीर होता है क्या कहलाता है, वो कहलाता है थैलस। पादप शरीर इनका क्या कहलाता है, थैलस, या हिंदी में हम बात करें तो बोलते हैं सुकाय। थैलस या सुकाय क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें जड़ तना पत्तियों का अभाव होता है। ये इसके सामान्य कैरेक्टर होते हैं। इसके अलावा इसके पादप शरीर की बात करें तो शैवाल होती है एक कोशिका भी होती है, मतलब इनका जो पूरा जो शरीर होता है केवल और केवल एक कोशिका का बना रहता है। और कुछ शैवाल ऐसी होती है जो कैसी होती है भाई, बहुकोशिकीय होती है, कि उनका जो पूरा जो पादप शरीर होता है कैसा होता है, अनेक कोशिकाओं का बना होता है। उसके बाद हम बात करें तो जो शैवाल होती हैं जो केंद्रक संगठन के आधार पर जो होती है कैसी होती है, यूकैरियोटिक प्रकार की होती है, कि इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है और इसमें क्या पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। उसके अलावा कि क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये कैसी होती है, स्वपोषी भी होती है। और इनकी हम कोशिका भित्ति की बात करें तो भाई जो पादप की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, हमने पहले ही बता दिया कि सेल्यूलोज नामक पदार्थ की बनी होती है। तो जो शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा इसमें एक पदार्थ और पाया जाता है, क्या पाया जाता है, पैक्टिन पदार्थ पाया जाता है। इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल वर्णक के अलावा अन्य वर्णक भी पाए जाते हैं, क्योंकि जो शैवाल होती हैं डिफर डिफर कलर की होती है, मतलब भिन्न भिन्न रंगों की होती है, तो इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, ठीक है, तो ये वर्णक पाए जाते हैं, फ्यूकोजेंथिन वर्णक पाए जाते हैं। और हम इसमें रिप्रोडक्शन की या जनन की बात करें तो इनमें जनन होता है कौन कौन सा विधियों द्वारा, कायिक जनन होता है, वही हमने बता दिया कि किसके पादप के कायिक भागों के द्वारा। ठीक है, दूसरा पाया जाता है जो अलैंगिक जनन पाया जाता है, वो किसके द्वारा होता है, बीजाणुओं के द्वारा होता है। ठीक है, थर्ड हम बात करें कौन सा पाया जाता है, लैंगिक जनन पाया जाता है। तो ये इसमें तीनों प्रकार का जो रिप्रोडक्शन तीनों विधियों के द्वारा होता है, कौन कौन सी विधियों के द्वारा, कायिक विधि के द्वारा, अलैंगिक के द्वारा
और लैंगिक विधि द्वारा। इसके अलावा ये होते हैं जो शैवाल होते हैं, इनमें स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण क्या होता है कि इसमें भाई दो अवस्थाएं होती है, एक तो युग्मकोद्भिद, ठीक है, युग्मकोद्भिद अवस्था, इसमें युग्मकों का निर्माण होता है। दूसरी होती है बीजाणुद्भिद अवस्था, ठीक है, जिसमें क्या होता है बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो मुख्य जो पीढ़ी होती है वो क्या होती है, युग्मकोद्भिद होती है, और दूसरी जो आश्रित होती है कौन सी होती है, बीजाणुद्भिद होती है। तो इसमें पहले युग्मकोद्भिद, बीजाणुद्भिद, उसके बाद युग्मकोद्भिद, बीजाणु, इस प्रकार क्या होते हैं पीढ़ियों का एकांतर क्रम चलता रहता है। इस प्रकार के क्रम को हम क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतरण कहते हैं। तो जो शैवाल होती हैं इनमें क्या पाया जाता है, स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो ये थे इसके कुछ सामान्य जानकारी। इससे नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके सामान्य लक्षणों के बारे में। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपके, ये अपना शैवाल का टॉपिक में।